अभिषेक मलहन रिसेंटली मनीषा से मिले थे और अब अभिषा फैंस के लिए बड़ी खबर ये सामने आ गई है कि इन दोनों का म्यूजिक वीडियो भी सामने आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको सारी बड़ी यूट्यूब से जुड़ी अपडेट देने वाले हैं। वहीं अभिषेक मलहन का ये जो कन्फर्मेशन है ये तब सामने आया जब विशाल मिश्रा ने रिसेंटली उनके एक फोटो के ऊपर कमेंट भी किया। अब इन दोनों की जोड़ी साथ में आना लाजमी है और विशाल मिश्रा अपनी आवाज़ देंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना एक्साइटमेंट भरा रहने वाला है। इसके अलावा अभिषेक मलहन की बात करें तो वो रिसेंटली पलक पुरुषवानी और साथ ही साथ आकांक्षा पुरी से भी मिले, मुंबई के अंदर मिले और यहाँ पर इन्होंने खूब सारी बातें भी की और पपराजीज के सामने रूबरू भी हुए। हालांकि किसी प्रोजेक्ट को लेकर मिले हैं या फिर किसी और चीज़ को लेकर, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गिफ्ट्स लेकर पहुँचे थे यहाँ फुकरा इंसान और दोनों को गिफ्ट भी दिए। इसके अलावा आपको बता दें कि टी सीरीज़ के साथ यहाँ पर फुकरा इंसान की बात चल रही है किसी गाने को लेकर। वहीं एल्विश यादव दुबई में मौजूद हैं और दुबई में इन्होंने अपने बर्थडे पर जम के पार्टी भी की। इसके अलावा एल्विश यादव ट्विटर पे भी ट्रेंड करते हुए नजर आए और रातों रात काफ़ी ज़्यादा उन्हें ट्वीट्स मिले, बर्थडे विशेज मिली। वहीं यहाँ पर वो दुबई के अंदर एक यॉट के ऊपर पार्टी कर रहे हैं और पार्टी करते हुए अपने दोस्तों के साथ जमकर मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल मस्ती करना उनका लाजमी है ही, क्योंकि आप तो जानते ही हैं एल्विश यादव हमेशा ही अपने दोस्तों को हर चीज़ में इंक्लूड करते हैं, अपने साथ रखते हैं और यहाँ पर भी वो पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भी एक नया गाना किया था जो कि उर्वशी रौतेला के साथ था। इस गाने को 2 घंटे में लगभग 2 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं और ये गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके अंदर उनके लुक्स काफ़ी अच्छे हैं और उर्वशी के साथ वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहे हैं उर्वशी के सामने। दूसरी और एक और गाने की बात उन्होंने हाल ही में की थी जो कि मनीषा के साथ था, तो हमें एल्विशा जल्दी देखने को मिल सकता है और ये प्रोजेक्ट जल्दी सामने आ सकता है। वहीं एक और बड़े यूट्यूबर भुवन बाम ने भी एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। हालांकि ये प्रोजेक्ट उनके यूट्यूब के लिए नहीं बल्कि प्राइम के लिए वो कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भुवन बाम ने एक ट्विटर पर ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा, ए बेटा मौशी मौशी आ रहा हूँ टीटू मामा फाड़ के पजामा, तो किसी इस कैसल फीड भुवन ऑन प्राइम कमिंग सून ओनली ऑन प्राइम वीडियो इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तकीसीज़ कैसल तो याद होगा ही आपको, जिसे जावेद जाफरी जो है अपनी कमेंट्री आवाज़ से लोगों के बीच में इतनी फेमस कर चुके थे। अब ऐसा ही कुछ तकीसीज़ कैसल टीटू मामा करने वाले हैं। अभी एक्साइटमेंट भरा है ही क्योंकि टीटू मामा है ही इतने इंटरेस्टिंग। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, कैसी लगी आपको ये न्यूज़, कमेंट करके बताएं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो।